हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव है रिगार्डिंग जो कि आप देख रहे हैं कंट्रोवर्सी जो में आ गया है। JKPSI की जो रिक्रूटमेंट है वो कंट्रोवर्सी में आ गई है, तो इसके रिगार्डिंग हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और बाकी जो भी होगी डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स आने वाली उनके बारे में भी हम कुछ कहेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि JKPSI की जो रिक्रूटमेंट है जो कि SSB ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था वो तो कंट्रोवर्सी है। उसमें जो एलिगेशंस लग रही हैं कि उसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, तो अब किस लेवल पर स्कैम हुआ है वो अभी इस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 3 मेंबर की एक पैनल जो है वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो वो जो है वो गवर्नमेंट को एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देगी कि क्या इस पे एक्चुअल फैक्ट्स है। वो देखेंगे कि इसमें रियली में कितना बड़ा स्कैम हुआ है, क्या है, फिर बाकी जो एक्चुअल में इसमें फिर ये देखना होगा कि इसमें कितना मनी इन्वॉल्वमेंट है या किन स्टूडेंट जो है वो इलीगल मीन से एंटर हुए हैं इस प्रोसेस में, तो वो फिर उसके लिए एक अलग कमेटी बिठाई जाएगी। मे बी उसके बाद देखा जाएगा कि किस लेवल का जो है स्कैम है, चाहे केस को फिर ACB इन्वेस्टिगेट करेगी या जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी ACB को केस हैंड ओवर किया जा सकता है या CBI को या केस हैंड ओवर किया जाएगा, वो आने वाले समय में देखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे या बहुत सारे एस्पिरेंट्स के जो वीडियो ये देखे कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में या ट्वीट आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वो हर रिक्रूटमेंट पर अब क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी ऐसा कर रहे हैं यू कैन लैंड इन टू द ट्रबल, क्योंकि क्योंकि अब जो ट्वीट कर रहा है कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान ट्वीट करता है तो क्या होता है कि बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस ट्वीट को सीधे फॉरवर्ड करते हैं गवर्नर सेल में या डिफरेंट डिपार्टमेंट ACB को फॉरवर्ड करते हैं या JKSB को कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन किया है, जो कि विदाउट एनी प्रॉपर प्रूफ एलिगेशंस लगा रहे हैं। देखिए आने वाले समय में JKSB जो है वो भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रही होगी, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन को डिफेम नहीं कर सकते हैं। देखिए जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद आप कुछ कह सकते हैं विदाउट एनी प्रूफ। अभी आप सब ऑडिटर है उसको भी एलिगेशन लगाते हैं, अभी आप जूनियर असिस्टेंट है उस पर भी एलिगेशन लगाते हैं, अभी फाइनेंस असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट है उस पर भी एलिगेशन लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक राइट बनता है कि आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते, बट यू शुड हैव प्रॉपर प्रूफ। आप विदाउट एनी प्रूफ किसी भी रिक्रूटमेंट पर आप जो स्टूडेंट्स मेरिट से बहुत कट ऑफ से बहुत दूर हैं, कट ऑफ से 10 मार्क्स से डिफरेंस से है पर है या 20 मार्क्स शॉर्ट है कट ऑफ रेंज से, वो उन लोगों ने भी अब एलिगेशन स्टार्ट कर दिए कि रे एग्ज़ाम, ये एक नई गैंग हो रही है कि रे एग्ज़ाम गैंग अब खड़ी हो गई है कि हर चीज़ में जो भी अब अगर कोई रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट उस पर भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसमें ये है, क्योंकि उनका जो है कट ऑफ से बहुत कम स्कोर आ रहा है। तो इसमें आप देखिए, आप अपने आप के लिए खुद ट्रबल करें अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि अब जब आप ट्वीट करते हैं तो आपको कल को पूछा जा सकता है कि आपने किस बेस पर ये ट्वीट किया, तो या आप किसी कैंडिडेट का नाम मेंशन करते हैं कि इस कैंडिडेट के इस एग्ज़ाम में इतने पॉइंट्स थे, दूसरे एग्ज़ाम में ये 0 मार्क्स पर ये 10 मार्क्स ला रहा है या 20 मार्क्स ला रहा है, तो आप इस चीज़ पर मतलब ये वो जो आप डिफेमेशन सूट फाइल हो सकता है। तो मैं अपने जो भी फ्रेंड्स है जो भी एस्पिरेंट्स है मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए आप इस वक्त जो स्टडी कर रहे हैं यू शुड नॉट लैंड योर सेल्फ इन एनी ट्रबल, आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आप किसी ट्रबल में पड़ जाएं। तो मैं आपके लिए ये सजेशन दे रहा हूँ, यू शुड हैव प्रॉपर प्रूफ। हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है किसी चीज़ का देन आप कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, बट नॉट विदाउट एनी प्रॉपर प्रूफ। आप किसी इंस्टीट्यूट को डिफेम मत कीजिए, क्योंकि आप खुद ट्रबल में आ सकते हैं, कल को आपको इंस्टीट्यूशन आप पर केस कर सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँगा कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का वन ऑफ द टॉपर्स उसमें था, तो उसने फिर जब अपना स्टेटमेंट दिया कि मैंने इस एग्ज़ाम में पंचायत में कम मार्क्स लाए थे, डेफिनेटली उसने उसमें प्रॉपर रीजंस दिए थे कि मैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था,
तो फिर उसके बाद उसने इस एग्ज़ाम में एफर्ट्स लाया तो बहुत हाई स्कोर गया, तो अर्लियर स्टूडेंट्स उसे डिफेम कर रहे थे। तो आपको इन चीज़ का ये आप एस्पिरेंट्स को इन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बिकॉज सच सिचुएशन इसमें आपको कोई भी डिफेमेशन सूट फाइल कर सकता है। आपको इस चीज़ में आप इस वक्त एस्पिरेंट्स हैं, आपको ये चीज़ देखना होगा कि कहीं आप किसी ट्रबल में ना पड़ जाए जिसकी वजह से आपका कैरियर जो है वो सीधा ऊपर लग सकता है। विदाउट आपको पूरी तरह से सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, बिकॉज़ आप एक इस स्टेज में हैं जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ट्रबल में पड़ जाए, किसी केस में इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर आपकी जो भी मेहनत है वो ज़ाया होगी। हम अपने फ्रेंड से यही कहेंगे आप मेहनत कीजिए, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो गवर्नमेंट कर रही है, तो यू शुड वेट फॉर दैट कि उसका आउटकम क्या आएगा। बाकी जो जो एक नया स्टूडेंट्स ने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है कि हर एग्ज़ाम में आप ये निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव प्रूफ यस गो टू द अथॉरिटीज़, तो आप मीडिया के पास जाइए, आप खुद एसएसबी से भी बात कर सकते हैं या कोर्ट में जा सकते हैं, बट विद प्रॉपर प्रूफ। विदाउट एनी प्रॉपर प्रूफ डोंट आप कोई एलिगेशन मत लगाइए। देखिए अभी देख सकते हैं अभी जो बाकी एग्ज़ाम शेड्यूल थे वो भी पोस्टपोन हुए, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एसएसबी को भी इस बारे में अब कैलेंडर निकालना चाहिए कि वो आने वाले एग्ज़ाम्स में उनका क्या ये है, वो क्या कब करवाने जा रहे हैं। बाकी जो अब स्कैम है जेके पीएसआई का, अब बहुत 24 तक तो उसका ये आ जाएगा, कमेटी जो है वो रिपोर्ट फाइल करेगी कि उन्होंने इस स्कैम में क्या देखा है। बाकी फ्रेंड्स हम आपसे यही कहेंगे कि आप मेहनत करिए, बाकी आप इस स्कैम्स मत दी। हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ से जब इंसान मेहनत की होगी तो बहुत सा जो इंसान है वो डिस्ट्रैक्ट होता है इन चीज़ों से, बाकी आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह यू विल गेट योर रिवार्ड। बाकी फ्रेंड्स आप चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कीजिए, ताकि हमारे आपके जो वीडियोस है वो आपके फ्रेंड्स के साथ भी पहुंचे, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट अपडेट होगा वो आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस।